क्रिकेट प्रेमियों को आईपीएल 2022 का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार टूर्नामेंट में दो नई टीमों का आगाज होने वाला है। इसी को लेकर आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में सभी की नजरें टिकी थी। मेगा ऑक्शन में कोलकाता टूर्नामेंट की सबसे मजबूत और संतुलित टीमों में से एक है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले दो कैरेबियन ऑलराउंडर आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और भारत के उभरते हुए ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को रिटेन किया था। इसके बाद मेगा ऑक्शन में पैट कमिंस, श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा को अपने साथ जोड़कर काफी मजबूत टीम तैयार की है। कोलकाता की टीम हर बार दिल खोलकर खिलाड़ियों को खरीदने में पैसा खर्च करती है। कोलकाता अब तक दो बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है। कोलकाता ने इस बार अपनी टीम में कई बेहतरीन ऑलराउंडर रखे हैं, लेकिन उनके पास अच्छे विकेटकीपर नहीं है। कोलकाता ने विकेटकीपर के रूप में शेल्डन जैक्सन और सैम बिलिंग्स को अपनी टीम में शामिल किया है। इनमें से कोई भी आईपीएल में ज्यादा मैच नहीं खेला है, ऐसे में कोलकाता की टीम परेशानी में फंस सकती है। वहीं कोलकाता के कप्तान को लेकर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। श्रेयस अय्यर को कोलकाता का कप्तान बनाया जा सकता है। टीम ने श्रेयस अय्यर को 12.25 करोड़ में अपने साथ जोड़ा है। वहीं अजिंक्य रहाणे को 1 करोड़ जबकि नीतीश राणा को 8 करोड़ में खरीदा है। इसके अलावा पैच कमिंस में शिवम मावी को 7.25 करोड़ में खरीदा है। केकेआर ने रिंकू सिंह को 50 लाख रुपए में खरीदा। आपको बता दें, कोलकाता की टीम दो बार फाइनल जीत चुकी है। ये टीम 2012 और 2014 में चैंपियन बनी थी। इसके बाद से कोलकाता ने कभी खिताब नहीं जीता है। 2021 में भी ये टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन चेन्नई के हाथों इसे हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर ये टीम 7 बार नॉकआउट मैचों में पहुंची और सिर्फ 2 बार ही फाइनल जीत पाई है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।